जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर. यस्टरडे वी लेफ्ट आर चैप्टर एट 193 पेज. उसके बाद आगे क्या हुआ हम साहनी की लाइफ का थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म है वो. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वॉज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना. क्योंकि ये वाली पोस्ट थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने उन्हें भेजी थी कि वो चाहते थे कि साहनी इस फील्ड में आए और सेक्रेटरी की पोस्ट ले, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाए. और लेकिन वो अपनी लेबोरेटरी भी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने ऑफर भेजा था तो उसे छोड़ना पड़ा. एंड इवन साहनी की डेथ से पहले ही उसने एक ट्रिप बनाई थी, कहाँ, राजमहल हिल इन वेस्ट बंगाल. किस लिए? टू कलेक्ट मटेरियल फॉर द रिसर्च. मतलब वी कैन से कि पर्सन वॉज वेरी इंटरेस्टेड, है ना, इन हिज करियर. जो भी वो कर रहा था वो बहुत ध्यान से कर रहा था. इवन मौत से पहले भी ही वॉज नॉट सिटिंग एट होम एंड एन्जॉइंग हिज फ्री टाइम, ऐसे नहीं कर रहा था. ही वॉज इवन वो एक एक मिनट को यूटिलाइज कर रहा था. मौत से पहले भी उसने रिसर्च के लिए कुछ मटेरियल को ढूंढा. अब देखिए 193 पेज पे ही नेक्स्ट पर्सन की स्टार्ट होती है बायोग्राफी. अब ये कौन है? विल रीड अबाउट द सलीम अली. सलीम अली 193 पेज पे है. सलीम अली एक फैमिली में जिसमें वो पैदा हुए वहाँ पे उनके बहन भाई काफ़ी थे, लेकिन मदर एंड फादर नहीं थे, तो अंकल ने ही उन्हें पाला पोसा, आगे बढ़ाया. एंड व्हाट हैपन कि जो सलीम अली था उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा किस में था? नेचुरल, जो वाइल्ड लाइफ थी, नेचुरल कंजर्वेशन, इसमें था. उन्होंने हंटिंग के बारे में बहुत सुना था. इवन उनके अंकल थे, ही वॉज ऑल्सो गुड हंटर. सो ही ऑलवेज यूज टू गेट ऑफर्स फॉर दीज टाइप्स ऑफ पार्टीज इन विच हंटर्स गेट टुगेदर, है ना. तो ऐसी पार्टीज में वो जाता रहता था. सम वंस व्हाट हैपन कि उसने एक स्पैरो देखी, शी वॉज डेड. एंड उसने पहली बार देखा कि विद येलो स्ट्रीक, उस पर येलो कलर की धारियाँ थी. एंड ही वॉज कीन टू इंटरेस्टेड, ही वॉज कीन टू नो मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पैरो. सो ही टोल्ड हिज अंकल अबाउट दिस एंड हिज अंकल अरेंज्ड द थिंग्स बुक्स फॉर हिम. दैट बुक्स वर वेरी डिफिकल्ट टू वी कैन से कि मिलना उनका बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उनको उनके अंकल ने बुक अरेंज करवाई. गुड बुक्स ऑन इंडियन बर्ड्स वर नॉट फ्रीली अवेलेबल एट दैट टाइम, लेकिन मिस्टर मेलियर्ड ने उन्होंने ऑफर किया. उन्होंने इस एंथोसिज्म उनके अंदर देखी, बच्चे के अंदर एंथोसिज्म देखी, एनर्जी देखी कि उसका कितना इंटरेस्ट है इन चीज़ों को समझने में. तो उन्होंने अच्छे से उन्हें बुक्स दी और सलीम अली ने ऐसे करके, देखो जो बंदा किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होता है ना, अगर वो चीज़ ईजिली अवेलेबल भी नहीं होती, लेकिन अगर आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो तो डेफिनेटली गुड आपके लिए वो जगह क्रिएट करता है. सो आगे देखिए, सलीम वॉज नॉट गुड इन स्टडीज. वो अपना द फैमिली हैड अ बिजनेस इन बर्मा, इसलिए वो अपने कज़न के पास बर्मा ही चला गया. लेकिन कुछ टाइम बाद ही केम टू ही रियलाइज्ड दैट जो फॉर्मल एजुकेशन है वो मेरी होनी चाहिए, कि इन फ्यूचर इफ़ आई वॉन्ट टू अर्न सम मनी, माई जो मेरी क्वालिफिकेशन है दैट इज़ मस्ट, है ना. तो फिर उन्होंने अपनी बीएससी कोर्स इन जूलॉजी फ्रॉम सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे से कंप्लीट किया. सिंस ही वॉज गोइंग टू बर्मा एंड परहैप्स ही वॉज थिंकिंग कि ही विल नेवर कम टू इंडिया, है ना. तो उसके बाद उन्हें बर्मा से रिटर्न होने का मौका मिला. एंड उन्हें फिर भी कोई एक अच्छी जॉब नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जैसे जैसे जहाँ भी काम मिला ही डिड. फॉर सम टाइम ही वर्कड इन द नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम. ही वॉज ऑलरेडी कन्विंस दैट ऑर्निथोलॉजी एज अ फुल टाइम ऑक्यूपेशन वॉज द ओनली थिंग ही वॉज इंटरेस्टेड इन, बट ही डिडंट हैव द प्रोफेशनल ट्रेनिंग, है ना. मतलब इससे कोई उनके पास जो बर्ड्स की स्टडी थी, है ना, जो एनिमल्स की स्टडी थी, इन इसमें प्रोफेशनली अगर वो अच्छे होते तो डेफिनेटली उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, लेकिन उनको कहीं से मिले नहीं. सो द लकीएस्ट टर्निंग पॉइंट उनका बर्लिन में, जर्मनी में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला. जर्मनी से बाहर आने के बाद इन 1930 ही केम बैक फ्रॉम जर्मनी. एंड स्टिल ही वॉज नॉट able to get a regular job. And again वो idea of undertaking, उन्होंने regional bird survey को करने का idea बनाया. He offered his services to Bombay Natural History Society, है ना. उनको दी, provided they paid for the expenses for the surveys. कुछ amount उनको मिलना शुरू हुआ. एंड धीरे धीरे ही
ट्राइड हिज हैंड्स इन एवरी टाइप ऑफ थिंग कि वो कुछ अर्न कर सके। 197 पेज पे देखिए, सलीम अली मेड अ सीरीज ऑफ बर्ड सर्वेज इन ट्रेवेंकोर, भावलपुर, द ईस्टर्न हिमालय, इवन इन अफगानिस्तान एंड तिब्बत। इन 1934 ही ड्रू अप अ प्रोजेक्ट फॉर रिसर्च इन इकोनॉमिक ऑर्निथोलॉजी। सलीम अली हैज रिटन नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंडियन बर्ड, है ना, बहुत सारी बुक्स भी लिखी ऑफ कच्छ, केरल, सिक्किम, अदर प्लेसेस। हिज बुक ऑफ द इंडियन बर्ड पब्लिश इन 1941 has run into many editions. His greatest work is the 10-volume Handbook of Birds of India and Pakistan. ये उनकी बहुत अच्छी बुक है। क्या बुक है? Handbook of Birds of India and Pakistan, jointly written with the Sidney Dillon Ripley of the Smithsonian Institute of Washington. उनके साथ उन्होंने लिखी। Then after that, he died on 28 June 1987 at the age of 91. He was the active to the last, playing a significant and decisive role in the wildlife conservation in India. So it was your chapter. Salim Ali was totally interested in ornithology. It is a study of the birds. So we came to know about his life, कि वो कैसे studies में अच्छा नहीं था, but still उसने अपना जो interest है उसके basis पे जितना भी कर सकता था, है ना, उस time पे जो भी resources available थे उससे उसने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उनकी death हो गई। तो ये अपना जो हमारा बायोग्राफीज़ का पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। ये जो बुक है हमारी कंप्लीट हो गई है, एंड द सेकेंड बुक इज़ 6-1 एक्ट प्ले, हम वो अब स्टार्ट करेंगे। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन लेंथ ही बहुत है, तो सो प्लीज़ आप बोर मत होइएगा। आई एल मेक द वीडियोज़ इन एन इंटरेस्टिंग वे, क्योंकि आपका जो फर्स्ट 6-1 एक्ट प्ले है वो है मैरिज प्रपोजल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ उसमें अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।